हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसका शेयर सिर्फ यहाँ पर 33 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है अभी। और खुद कंपनी के जो मालिक है, जो प्रमोटर हम जिसे कहते हैं, उनके तरफ से करोड़ों का निवेश अभी यहाँ पर फिलहाल किया गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी में 2020 जो कोविड-19 का टाइम पीरियड था, तब खुद कंपनी के प्रमोटर ने तब एक बार बहुत अच्छा निवेश किया था। वहाँ से फिर शेयर ने बहुत मल्टीबैग रिटर्न कमा कर दिए। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टॉक के अंदर फिलहाल जब यहाँ पर निवेशक ने ख़रीदा है तो आगे इसके अंदर और बड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है क्या, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, जो कंपनी के प्रमोटर हैं यानी कि कंपनी के मालिक जो यहाँ पर कंपनी को चलाते हैं, तो उनको हम सभी से बहुत अच्छे से पता होता है कि वो बिज़नेस किस वे में और किस तरीके से परफॉर्म करेगा। एंड एक बड़ी बात इस कंपनी के पास है, 5 बिज़नेस के एडवांटेज। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिज़नेस पर कंपनी डिपेंड है, और कंपनी का जो बिज़नेस का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्ट है, वैरायटी अच्छी है यहाँ पर बिज़नेस की। यानी कि जो टाइप है यहाँ पर हम कहेंगे बिज़नेसेस के, वो बहुत अच्छे और वैल्यूबल है और डिमांडेड भी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास है सबसे पहला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसके अंदर यार्न जो कॉटन के होते हैं वो कंपनी बनाती है। अभी यार्न बोल तो क्या, तो धागा जो रहता है, थ्रेड जिसे कहा जाता है, वो ये कंपनी बनाती है। साथ ही होम टेक्सटाइल, ये सेकंड यहाँ पर इनका आपको बिजनेस सेक्टर देखने को मिलेगा। जो धागा है उसको तो बनाते हैं, उसी के साथ होम टेक्सटाइल। अभी आप बोलेंगे सर धागा और होम टेक्सटाइल में फ़र्क क्या, देखिए जो थ्रेड होता है वो सिर्फ बनाया जाएगा और अदर इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाएगा, बट जो ये होम टेक्सटाइल है वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि बेडशीट, टॉवल वगैरह, बहुत से पर्दे जो होते हैं उसके बारे में, जो भी यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, किचन से रिलेटेड रहने दो, बाथ से रिलेटेड रहने दो, बहुत सी ऐसी चीज़ें ये बनाकर बेचते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस का पेपर का। अभी सबसे बढ़िया बात क्या है, इसका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और इनका जो पेपर का रॉ मटेरियल है वो क्या है आपको पता नहीं, तो मैं बताता हूँ। जो थ्रेड यहाँ पर जो स्टिक होती है गेहूँ की, जो गेहूँ की कटिंग होने के बाद में जो स्टिक रहती है ना, उसका यूज़ कर कर क्या पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और नेक्स्ट बिजनेस है देखिए केमिकल का। एंड कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और बहुत अच्छे से कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की मेट्रिक टन की जो पर एनएम की कैपेसिटी है उसको तेज़ी से बढ़ा रही भी है। और अभी जो इन्होंने अपना जो भी यहाँ पर एक्सपेंशन किया है बहुत अच्छे से किया है। एंड मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, कंपनी ने यहाँ पर 21,16,00,000 यहाँ पर हम फिगर को अगर करोड़ में देखें तो, बट ये फिगर उन्होंने नहीं बताया करोड़ में, वो बिलियन में बताए वाले हैं। अभी बिलियन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा। सिर्फ मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि ऐसा आप यहाँ पर समझ लेना कि लगभग इन्होंने 21 करोड़ के करीब का ही बहुत अच्छा यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देने की तैयारी किए हैं, और वो भी कैपेक्स के थ्रू। अभी कैपेक्स इन्होंने लाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो ये फिगर अलग अलग आएंगे, बट एक बड़ी बात यही समझनी हमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। आने वाले समय में कंपनी आगे बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार कर रही है। सेल यहाँ पर मैन्युफैक्चरर गुड्स के देखेंगे तो टेक्सटाइल से 77% रेवेन्यू आता है, पेपर से 13%, केमिकल से 1, एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल उससे 1% आता है, ऐसा आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कंपनी के यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट में। एंड यहाँ पर जियोग्राफिक एरिया से देखें तो एक बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी कि ये जो स्टॉक अभी सस्ते दाम पर चल रहा है ना, उसके पीछे रीज़न है इनका रेवेन्यू। जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो 44% सिर्फ और सिर्फ अदर कंट्री से आ रहा है,
और इंडिया के अंदर आप देखेंगे 32% एंड अदर वर्ल्ड से इनका यहाँ पर 24% आता है। एंड आप क्लाइंट देखेंगे इनके तो सभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट आपको वॉलमार्ट से लेकर अमेजोन एंड अदर सभी जो यहाँ पर चेन होते बिजनेस के जो मॉल आपने देखे होंगे जैसे डीमार्ट जैसे वो सभी या वॉलमार्ट जैसे वो सभी इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट स्ट्रॉ बेस पेपर मैन्युफैक्चरर है और वन ऑफ द मेजर बात से रिलेटेड जो बात लाइन प्रोवाइडर इन यूएस अल्सो है। यानी आप समझ रहे हो ना कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है मार्केट में। और मैं जिस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ उसका नाम है ट्राइडेंट। ये कंपनी 150 देशों में बिजनेस करती है जिसके अंदर आपको बहुत से अलग अलग यहाँ पर देश देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों इसके ऑफिसेज भी आपको इंडिया के सभी जो हम कह सकते हैं कि बड़े जो एरिया है मेट्रो सिटीज़ वगैरह वहाँ पर दिखाई देंगे। कंपनी बहुत वैल्यूबल है इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं कंपनी के बारे में और डिटेल आपको बता देता हूँ एंड ये बात आपको थोड़ा अच्छे से देखनी पड़ेगी जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सके कंपनी को। अगर आप यहाँ पर ट्राइडेंट कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखेंगे ना ये प्रमोटर का शेयर होल्डिंग का सॉरी पैटर्न है 2020 में कितना था 71.84 वो बढ़कर दिसंबर 2022 में कितना हो गया 73.02 और वही स्टेक कंपनी ने क्या किया आगे भी यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके बताता हूँ मेंटेन किया। कब तक मेंटेन किया सितंबर 2021 तक जब तक ये स्टॉक अच्छा खासा 70-60 रुपए तक ट्रेड किया। उसके बाद में ये माल बेचकर थोड़ा निकल गए और फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो उन्होंने यही शेयर होल्डिंग मेंटेन की। और अभी बढ़ाई कब ये मार्च महीने में जून मार्च जो महीना है उसके अंदर आप देख पाएंगे 72.94 से स्टेक बढ़ाकर 73.19 किया। और ये कोई बहुत पुराना समय नहीं है मार्च 2023 या जून 2023 का जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यह अभी लेटेस्ट अभी के अपडेट्स हैं। और बड़े अपडेट में आपको ये भी बात देखने को मिलेगी कि FIS ने भी थोड़ा स्टेक यहाँ पर ट्राइडेंट कंपनी में बढ़ा दिया। अभी सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ट्राइडेंट कंपनी के अंदर गिरावट क्यों तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सेल्स है ना क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा डाउन जा रहा है इस वजह से और सेल्स डाउन गया बोले तो प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है इस वजह से आपको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और आप चाहे तो ईयरली बेसिस पर भी देख सकते हो कि थोड़ा जो प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा था पहले वो तो अच्छी तरीके से वो उतना ज़्यादा अभी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। थोड़ा इम्पैक्ट प्रॉफिट का ट्राइडेंट कंपनी के जो इस स्टॉक के परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट कम हुआ थोड़ा बट इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ कहाँ पर स्टॉक प्राइस पर क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। 3 रुपये का शेयर अगर 70 रुपये का होता है तो कोई ना कोई इसके अंदर से बेच कर निकलेगा ही ना। आज भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा देखिए जब मार्च महीने में इस कंपनी के प्रमोटर ने शेयर खरीदे ना मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल क्यों मालूम है क्या आपको पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्च महीने में जब उन्होंने खरीदे शेयर ये तब था शेयर कितने पर ट्राइडेंट कंपनी का 25 रुपये पर। उन्होंने 25 रुपये के दाम पर माल उठाया और आपको अभी ये 32 रुपये 33 रुपये पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्राइडेंट कंपनी पर आपने नज़र रखनी चाहिए। पोटेंशियल ज़रूर है कंपनी आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रही है धीरे धीरे इसलिए आप सभी को ऐसे कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए। अभी ट्राइडेंट कंपनी के शेयर कोई गिरवी है क्या कंपनी कितना अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर दिखाने का दमखम अभी रखती है और भी मैं आपको उससे रिलेटेड भी बताता हूँ। अब तक ट्राइडेंट ने यहाँ पर दोस्तों जो परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया वो अच्छा है इसमें कोई डाउट नहीं है और इनका एक भी शेयर आपको गिरवी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या कंपनी में एबिलिटी है और क्यों निवेश करने के बारे में किसी ने सोचना चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड। और जिनके पास है उनके पास तो बहुत अच्छी बात है। और इसका आप यहाँ पर 50-week हाई देख सकते हैं अभी फ़िलहाल 41 का और जो लो है वो 25 रुपये का है और अभी शेयर चल रहा है 33 रुपीज़ पर। तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से।
आई होप आप समझ रहे सभी चीज़ें। थैंक यू।